आई एम द विक्टिम ऑफ आगा खान हॉस्पिटल। मैं अब जो आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो मेरी माँ की है, जो जिस जिन पे आगा खान ने ब्लंडर किए बहुत बड़े बड़े। मैं जब उनको लेके गया था तो मेरे पास ये फॉर्म है जिसकी एडमिशन फॉर्म है जिस पर ये लिखा है कि मैं उनको हिप बोन सर्जरी के लिए लेके गया था। और जब उन्होंने मुझे वापस किया उनको, तो उन्होंने उनको सेप्टिक शॉक दे दिया। तो उन्होंने शुरू से ही ब्लंडर्स किए हैं। फिर आज तक आपने कभी सुना है कि 96 शुगर के ऊपर इंसुलिन दे दी जाती है? ये मिस्टेक दो दफा हुई थी और उन्होंने अपोलोजाइज किया मेरे को, और दे वर ब्लेमिंग द नर्सेस। दे शुड बी ब्लेमिंग द नर्सेस बिकॉज नर्सेस आर डूइंग देयर जॉब। आई मीन ये डॉक्टरों का कसूर है और ये डॉक्टर ने किया है कि इसकी वजह से उनकी शुगर लो गई थी, इसलिए कि डॉक्टर्स वर नॉट देयर, दे वर जस्ट नर्सिंग वर जस्ट लुकिंग एट द कंप्यूटर एंड दे वर फीडिंग हर। और उसके बाद सबसे बड़ा ब्लंडर जो इन्होंने किया है, सेप्टिक शॉक किस तरह हुआ है कि इन्होंने मेरी माँ को सुबह में, रात में ऑपरेशन हुआ है और सुबह में इन्होंने नाश्ता करा दिया उनको, और नाश्ता कराने के बाद मेरी माँ कंप्लेन कर रही है कि पेट में दर्द हो रहा है। तो सर्जन साहब मुझे ये बोलते हैं इट्स नॉर्मल। सर्जन को चाहिए था कि वो फिजिशियन को बुलाता और चेक करवाता और उनका अल्ट्रासाउंड करवाता। अगर वो उस टाइम पे उनका अल्ट्रासाउंड करा लेता तो आज वो मेरे साथ बैठी हुई होती। और उसके बाद इन्होंने मेरे से बोला कि 28 को ये मुझे बोलते हैं आके हमसे डील कर लो। मैंने बोला शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप मुझसे डील का बोल रहे हैं। मेरी माँ को आपने 48 आवर दिए और जब उन्होंने मुझे बोला कि कंप्लेन लेटर दें आप, तो मैंने कंप्लेन दिया। उसके ऊपर ये मुझे बोल रहे हैं कि 21 डेज हमको इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए। किस चीज के 21 डेज चाहिए इनको? आप मुझे ये बताएं इनको 21 डेज में क्यों दूं? इन्होंने मुझे लेटर पे लिख के दिया 21 डेज। फिर उसके बाद जब मैंने लॉयर लेटर भेजा इंतकाल के बाद, तो ये मुझे कंडोलेंसेस लेटर भेज रहे हैं। तकरीबन 17 से 18 दिन बाद इनको याद आ रहा है कि मेरी माँ का इंतकाल हुआ है। तो मैं सिर्फ मीडिया से ये चाहता हूँ कि मीडिया इस केस को उठाए और जो चीज सच है वो बताए कि आखिर में जो ब्लंडर्स किए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है लेफ्ट एंड राइट, और डॉक्टर्स को ये नहीं पता कि इंसुलिन कितने पे दी जाती है, तो उसको तो स्पेशलिस्ट होना ही नहीं चाहिए। और जो ईईजी कर रहा था, ईईजी ने किया मेरी माँ का, उस हरामी ने मेरी माँ की टांग के बीच में पेंसिल रखकर उसने दबाई है और बोला हम बड़े बड़े को उठा देते हैं। तो आप ये टॉर्चर कर रहे हैं वहां पे और फिर आप बोलते हैं कि आप आगा खान चला रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपसे बड़ा बेगैरत और आपसे बड़ा जंगली इंसान, जाहिल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे, जो आप अपने इंटर्न्स को भेजे जा रहे हैं। इंटर्न्स नॉट सपोज टू बी देयर विदाउट द डॉक्टर, और आपके इंटर्न्स मेरी माँ के रूम में आ रहे थे। मेरी माँ के रूम में उनको नहीं आना चाहिए था। ये आप लोगों ने ब्लंडर किए। आपके साथ फिजिशियन होता है, अगर आप इंटर्न है तो आपके साथ फिजिशियन साथ होना चाहिए। एंड दे वर वॉकिंग इन देयर विदाउट एनी फिजिशियन, और आपके स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं जैसा कि पपिट शो हो रहा है। और आखिरी में मैंने उनको ये बोला, जब इंतकाल हो गया वो मुझसे पैसों की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला तुम्हें तो मैं 6 लाख क्या 6 रुपए नहीं दूंगा, और मैं तुम्हारे खिलाफ अभी FIR कटवा रहा हूं और मैं देखता हूं कि बॉडी कौन ले जाता है। तो ये सवाल है, आप बताएं आगा खान कभी 10,000 रुपए अपने नहीं छोड़ता है, उसने मेरे 6 लाख की पेमेंट छोड़ी है, तो इसका मतलब उन्होंने ब्लंडर किया है ना। तो मैं यही चाह रहा हूं कि ये मीडिया उठाए कि मेरी बॉडी को उन्होंने बगैर पेमेंट के क्यों ले जाने दिया, इससे कि दे वर एट मिस्टेक, दे मेड अ मिस्टेक, और उन्होंने ब्लंडर्स किए लेफ्ट एंड राइट, और मैं इसका कसूरवार डॉक्टर शहरयार नूरुद्दीन को ठहराऊंगा। इससे कि अगर वो मेरी माँ की केयर कर लेता विदाउट इवन गोइंग इनटू अनदर सर्जरी, जो कि ब्लंडर्स करे जा रहे हैं, वहां इतने गरीब लोग आते हैं जिनको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है आगा खान के अंदर। स्पेशल रूम में लोग पड़े हुए वेंटिलेटर्स पे पड़े हुए, और इन लोगों को वेंटिलेटर पे डाला जा रहा है, जिनको कैंसर हुए उनको वेंटिलेटर पे डाल रही है 3-3 महीने तक, और 80-90 लाख रुपए बिल बना रहे सिर्फ इसलिए कि उनको पढ़ना नहीं आती इंग्लिश। ये फर्क है, और मैं इसीलिए इस केस को डालना चाहता हूं। सिर्फ वो मेरी माँ नहीं थी, वो ऐसी हजारों माएं हैं जो मर रही हैं वहां, और अगर हम अभी नहीं उठेंगे इनके खिलाफ तो ये इसी तरह मारते रहेंगे लोगों को।